ये गायत्री का मंत्र है। उस गायत्री मंत्र में बोलने वाले को भी आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है, ये भूत खेतों को भगाने का मंत्र है कहते हैं। भूत कहते हैं कौन, ये सारे साथी हम लोग, इनके लिए वे क्या कहते हैं अपने मंत्र में, ओम भूर्भुवः स्वः, यहाँ के जितने भी भूदारी हैं सत्ता सत्यनाथ हो, तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो, उनके जितने भी नारियां हैं वे हमारे स्वाधीन हो, देवस्य अधिमहि धियो, अपने आप को वे देव कहते थे, देवों की संख्या बढ़ाने के लिए देवस्य अधिमहि धियो, यानी देवों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, योना प्रचोदयात्, हम उनके योनि से प्रतिरोधन करेंगे, प्रतिरोधन करेंगे। तो ये हमारा क्षेत्र है, दूसरा आदमी आकर यहाँ पर यदि उधम मचाता है हम उसको मारेंगे नहीं, तो क्या घर में रखे थे हमारे लोग मारते थे। ये बमलेश्वरी देवी है, इसकी गाथा का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर भी एक जमाने में बामन की बलि दी जाती थी, आर्यों की बलि दी जाती थी, क्योंकि आर्यों बाहर जा चुके अपने देवी देवताओं को ऐसे कहते हैं कि हम यहाँ के दानव है। अरे मनु के देह से पैदा होने वाला वो यदि मानव बन सकता है, मनु का नाव मानव बन सकता है, तो दाई का नाव दानव क्यों नहीं होता। हम दाई की कोख से पैदा होते हैं, कोया वंशी है, दाई के नव है इसलिए दानव है, दाई के सूर है इसलिए दस्यु है, दाई के ईत है इसलिए दैत है, दाई के भूत यानी संतान है इसलिए दैभूत है। अरविंद राउत मुड़पाड़ जिला वर्धा, अरविंद राउत मुड़पाड़ जिला वर्धा, आपके भाई आपके पिताजी इधर पेंडोल में हैं, वहीं के पास है, आप उन्हें यहाँ आकर मिले। आपने तो सुना नहीं, तो आपने कुछ पाया भी नहीं, ऐसा आपको महसूस होगा। जीवन प्रणाली का अध्ययन किया और इस नतीजे पर वो पहुंचे कि अकेले गॉड ने वो मतलब यानी ताकत नहीं कि जो जीव सत्व को जन्म दे सके, उसे मेरी का सहायता लेना पड़ेगा, इसलिए मेरी के उपासक यहां साथ में। यह हकीकत है जब धर्मों का हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें से आप सोचिए हमारा जो जीववादी जीवन मार्ग है, जिसे हम कोया पुनेम कहते हैं, गोडी पुनेम कहते हैं, या और किसी भी नाम से आप संबोधित कीजिए, लेकिन यह जीववादी जीवन मार्ग का ऐसा दर्शन है जो वैज्ञानिक है,
वैज्ञानिक है। हमारा दर्शन कहता है कि किसी भी चीज को, किसी भी शक्ति को, किसी भी सत्व की जानकारी वह सत्व सही है या नहीं है, सत्य है या असत्य है, इसे आप अपने पंच ज्ञानेंद्रियों के ही माध्यम से ही इसकी जांच कर सकते हैं, इसका टेस्ट लेकर देख सकते हैं। ये पंच ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारे जीवा है, हमारे हाथ हैं जिसे स्पर्श कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ये जो ज्ञान प्राप्ति के पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा दर्शन ये कहता है कि आप उसी चीज को सत्य मानिए, उसी तत्व को सत्य मानिए जो आंखों से दिखाई दे सकता है, जिसकी आवाज आप अपने कान से सुन सकते हैं, जिसका जिसकी जायका आप अपनी जीवा से ले सकते हैं, जिसे आप स्पर्श करके देख सकते हैं, थोक पीट कर भी देख सकते हैं। ऐसे ही पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिस चीज को आप थोक पीट कर करके उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, उसे ही आप सत्य मानिए, बाकी किसी चीज को सत्य मत मानिए। ये हमारा दर्शन है। लेकिन दूसरा दर्शन इसका विपरीत है कि जगन नित्यम ब्रह्म सत्यम बोलता है। ये जग जो है ये माँ बाप मिथ्या है, माया जाल है, ये भाई भाई मिथ्या है, माया जाल है, ये समाज हम मिथ्या है, ये असत्य है, ये सत्य क्या है? ब्रह्म है। जो जो आंखों से दिख नहीं सकता, जिसकी आवाज हम कान से सुन नहीं सकते, जिसकी जीवा से हम जायका नहीं ले सकते, जिसे हम स्पर्श करके देख नहीं सकते, अर्थात हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिस चीज को हम परख नहीं सकते, उस चीज को वो सत्य मानते हैं। हमारा दर्शन कहता ब्रह्म नित्यम जगन सत्यम, ब्रह्म नित्यम जगन सत्यम। इसका उल्टा उल्टा है कि ब्रह्म सत्यम जगन नित्यम। देखो दो सभ्यताओं को मैंने फर्क कैसा, वही कहानी पारी कुपाल लिंगो जिनका यह सीख मोहर है। इस चीज सीख मोहर को वो मोहर की ओर आप देखिए, एक तत्व है, दो तत्व है, तीसरा तत्व है, तीन सूल मिलेंगे हमारे। इन तीन सूलों में यह बौद्धिक सूल है, एक शारीरिक सूल है और एक मानसिक सूल है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, पंच कर्मेंद्रियों तो मेरे पास है, लेकिन इसमें तीन अंग हैं, इस शरीर में तीन अंग हैं, एक बौद्धिक अंग, मानसिक अंग और शारीरिक अंग, इसके अतिरिक्त चौथा अंग नहीं है। इन तीन अंगों के माध्यम से हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। हम अपने इस बौद्धिक अंग के माध्यम से ऐसे निर्णय लें कि जिससे इस धरातल में जितने भी जीव सत्व हैं, इन सभी का हित साध्य हो, किसी का अहित न हो। हम अपने मानसिक अंग मन में ऐसे विचार रखें कि हम आपस में सगा बंधुभाव से रहें, प्रेम भाव से रहें, आपस में हमारी कभी दुश्मनी ना हो। इस शरीर में जो पंच कर्मेंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय जैसे हैं, वैसे ही पंच कर्मेंद्रिय हैं। इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम ऐसा ही कर्तव्य करें कि जिससे सगा समाज का हित हो, कि किसी का अहित न हो। इन तीन सूलों के माध्यम से जय सेवा मंत्र हमारे पादी पादी उपाधियों ने हमें दिया। इस जय सेवा मंत्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? इस धरातल के जितने भी जीव सत्व हैं, सभी का कल्याण साध्य करना है। स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, कल्याण साध्य करना है। इन तीन सूलों का मतलब क्या है? इस जय सेवा मंत्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? सभी का कल्याण साध्य करना, अर्थात गोडी पुनेन का, गोडी दर्शन का, कोया पुनेन का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति करना नहीं है, निर्वाण प्राप्ति करना नहीं है, स्वर्ग के द्वार खोलना नहीं, सगा जन समुदाय का कल्याण साध्य करना, सगा जन समुदाय का कल्याण साध्य करना।
मान लीजिए कि हम अन्य धर्मों का बिल्कुल कह रहे हैं, तौलिक रूप से विचार हमने करना ही चाहिए, क्योंकि हम बुद्धिवादी हैं, सब यहाँ प्रबुद्ध भाई बैठे हुए हैं, हमने विचार करना ही चाहिए स्वर्ग मिलता है, निर्वाण प्राप्त होता है नहीं, स्वर्ग मिलना मोक्ष प्राप्त होना है क्या, यानी क्लेशों से मुक्ति, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। क्या आपका जन्म भी नहीं होगा, एक बार मोक्ष यदि प्राप्त हुआ, एक बार निर्वाण यदि प्राप्त हुआ बुद्धि जम के उस बुद्ध के तत्वज्ञान के यानी अनुसार, तो आपका जन्म भी नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगा, आप निर्वाण अवस्था में चले जाएंगे। मान लीजिए इस धरातल में जितने भी हम मानव जन समुदाय है, प्राणी मात्रा है, जीव तत्व है, सभी को निर्वाण प्राप्त यदि हो गया, कोई जन्म नहीं लेगा, अर्थात बुद्धि जन के तत्व के अनुसार मानव जन समुदाय का सत्यनाश होगा। मान लीजिए आर्यन माइथोलॉजी के अनुसार यदि सभी को मोक्ष यदि प्राप्त यदि हो गया, यहां कौन रहेगा, मानव जन समुदाय खत्म। हजारों वर्षों से ये प्रकृति का सिद्धांत है, यहां जन्म भी लेगा, जीव तत्व के पंच तत्व यहीं पर है, इन पंच तत्वों का एक जगह लाकर क्रिया प्रक्रिया करने वाले माता पिता भी यही हैं, दाया तत्व, माया तत्व, माता तत्व, पिता तत्व, सल्ला तत्व, भांगरा तत्व यही है। अरे मेरे बड़ा देव हम किसको बोलते हैं, मेरे बड़ा देव मेरे माता पिता, उनके बड़ा देव उनके माता पिता, उनके बड़ा देव उनके माता पिता। बड़ा देव का अर्थ है जो जने जीव जगत को जन्म देता है, जो देता है जीव जगत को जन्म दे, अर्थात हमारे माता और पिता, केवल पिता नहीं केवल माता है। इसलिए गोंडी पुनीन दर्शन यह कहता है सही में, इस जगत के जितने भी जीव हैं वे निर्बल हों या सबल हों, दो पैर वाले हो या बहु पैर वाले हो, पगधारी हो या बिन पगधारी हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, इन सभी जीव जगत का यदि कल्याण साध्य करना है तो आपकी साफ सबकी एक दूसरा सबको एक दूसरे की सेवा करनी हो, और यही से दर्शन के अनुसार सगाओ का विभाजन पांडी पाजी कुमार लिंगों ने किया, गोत्रों का विभाजन पांडी पाजी कुमार लिंगों ने किया, उन गोत्रों के अनुसार हमारे इसके पूर्ववक्ता लोगों ने आपको बताया भी होगा कि कौन पहले इस सिद्धि श्रृंगार, इस प्रकृति का, इस धरातल का जो संतुलन है ये सदा बने रहे, कैसे बने रहे। मान लीजिए एक तरफ पेड़ काटने वाले रहे तो पेड़ पौधे रहेंगे, अरे भाई पेड़ पालने वाले भी होना चाहिए, पेड़ काटने वाले भी होना चाहिए, मांसाहार करने वाला भी होना चाहिए, और प्राणी मात्रों का पोषण करने वाले भी होना यहाँ बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि हर एक गोत्र को तीन तीन गोत्र चिन्हों का आवंटन हमारे पानी पारी पुकारी को मिलता, इसका अध्ययन आपको करना है। इस मोती रावण कंगाली को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, केवल मैं एक राह दिखा रहा हूं कि हर गोत्र जो भी है, गोत्रधारी हमारा गोंडवाना का गोंडे जन समुदाय, उसके तीन गोत्र चिन्ह हैं, उन तीन गोत्र चिन्हों का वे कभी संहार नहीं करेगा, अर्थात उनका पोषण करेगा। हमारा जन समुदाय प्रकृति के जीव सत्वों का एक तरफ पोषण करता है, दूसरी तरफ भक्षण भी करता है, और यही कारण है कि प्रकृति का संतुलन हम जहां जहां पर भी है, प्रकृति का संतुलन बिल्कुल बना है, और जहां जहां हम नहीं है वहां प्रकृति का संतुलन मिट चुका है, वहां के प्राणी मात्र खत्म हो गए, जंगल खत्म हो गए, बारिश नहीं हो रही, अकाल पड़ रहा है, ये स्थिति है। अर्थात हमारे पानी पाली पुपाली वो ने जो त्रिशूल मार्ग हमें प्रदान किया, जो मूंदशूल मार्ग हमें प्रदान किया, जो जय सेवा मंत्र हमें प्रदान किया, उसी जय सेवा मंत्र के खिलाफ आर्यों ने नारा भी लगाया है। हम कहते हैं ये तीन सूर जो हैं, ये हमारे पवित्र पावन मार्ग है, त्रिशूल हमारा पवित्र पावन मार्ग है, लेकिन आर्य यह कहता है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिप्पट महाबीर, देखिए अर्थात तीन सूलों को हम मानने वाले हैं, इन्हीं तीन सूलों को
गौतम बुद्ध जी मानते हैं जिसे त्रिशरण कहा जाता है, एक शरण, दूसरा शरण, तीसरा, तीन ही शरण है वहां पर भी, तीन ही स्कूल है और ये भी तीन ही स्कूल यहाँ पर है। लेकिन इन तीन स्कूलों के खिलाफ तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिपट महाधिकट कहना आरोप शुरू किया। हमारा सगा जनसमुदाय, आपको इसकी जानकारी होगी, संपूर्ण जनसमुदाय 750 के आंकड़ों अंक में संख्या में विभाजित है, 750 यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने। ये हमारा शुभांक है क्योंकि ये गोत्र संघ क्या है, गोंडवाना के जितने भी गोंडियन जनसमुदाय है ये सब यहां के गोत्र, यानी मतलब गोत्र है। 750 हमारा शुभांक है। आर्य जनसमुदाय जैसा ही इस धरातल पर आया, हमें मारना उसने आरंभ किया, हमें भूत गए भूत के करना कहना आरंभ किया। और सारे साथी 750 हमारे लिए शुभांक है, आर्यों के लिए वही सारे साथी है अशुभ है। वे दो सभ्यताओं का फर्क दीजिए, एक तरफ सारे साथी अशुभ है, दूसरे तरफ सारे साथी शुभ है। और इसलिए उन्होंने उस गायत्री मंत्र को दिया है यहाँ के सारे साथी जो भूतारी लोग हैं इनको मारने के लिए, इनका सत्यानाश करने के लिए। आधे लोग तो बाहर से आए, अपने बाल बच्चे सहित नहीं आए, अपने बीवी बच्चे सहित नहीं आए, कुछ लोग यहाँ पर आए, यहाँ बसे भाई, उनको भी तो अपना वेल विस्तार करना था भाई, कैसे करेंगे? अरे संते संते उधर से आए छोटा दुपट्टा लेकर, वेल विस्तार कैसे होगा उनका, यानी प्रजनन कैसे होगा, किनसे करेंगे? मातृशक्ति उन्हें चाहिए, यहाँ की मातृशक्तियां हमें कैसे प्राप्त हो, इसके लिए गायत्री मंत्र बना है। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य अधिमति धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री का मंत्र है, उस गायत्री मंत्र में बोलने वाले को यदि आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है, ये भूत खेतों को भगाने का मंत्र है कहते हैं। भूत कहते हैं कौन, ये सारे साथी हम लोग, इनके लिए वो वे क्या कहते हैं अपने मंत्र में, ओम भूर्भुवः स्वः, यहाँ के जितने भी भूधारी हैं सत्ता सत्यनाथ हो, तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो, उनके जितने भी नारियां हैं वे हमारे स्वाधीन हो, देवस्य अधिमति धियो, अपने आप को वे देव कहते थे, देवों की संख्या बढ़ाने के लिए देवस्य अधिमति धियो, यानी देवों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यो न प्रचोदया, हम उनके योनि से प्रतिरोधन करेंगे, प्रतिरोधन करेंगे। ये मंत्र है, उस गायत्री मंत्र है जो तो वो मवान जी हमारे सामने भ्रमण करता है और वही हमें मारता है, हमारे जो माता यानी माता है उनको लूटता है और उनके माध्यम से अपनी संख्या बढ़ाता है। ये वो मंत्र, संस्कृत का गाता मैं नहीं हूं, हमारे नागपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व सिनेट स्वर्गीय वेंकटेश जापराम थे जिन्होंने इसका भाषांतर किया, पंडित राम नरेन शर्मा जो काशी के हैं जिन्होंने ऋग्वेद का भाषांतर किया है, इन चीजों को देख लिया इस मंत्र का प्राप्त हुए। ये मोती रावण कंगाली ने कहता, ये यहाँ के आर्य पंडित ही इस मंत्र का अर्थ बताते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य अधिमति धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या, अर्थात जिस सारे साथी को हम शुभ मानते हैं उसी सारे साथी को मारने की साजिश आज ये लोगों ने चलाई है, आज भी चल रहा है। ये देवदानों का युद्ध जो है, असुरों का युद्ध जो है, ये आज भी चल रहा है। जहां हम बड़े तादाद दिखे, एक ताजा उदाहरण मैं आपके सामने कहता हूं, यहां से 50 साल पहले जब हम पढ़ते थे उस वक्त चांदा जिले में, चांदा में जाने के लिए लोग आगे पीछे देखते, अरे नहीं उधर के लोग अपने को मारते हैं, और बिल्कुल ये हकीकत है कि भाई मान लीजिए हमारा क्षेत्र है, दूसरा आदमी आकर यहाँ पर यदि उधम मचाता है हम उसको मारेंगे नहीं, तो क्या घर में रखेंगे, हमारे लोग मारते थे
ये बमलेश्वरी देवी है, इसकी गाथा का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर भी एक जमाने में बामन की बलि दी जाती थी, आर्यों की बलि दी जाती थी, क्योंकि आर्य लोग बाहर जाते थे अपने देवी देवता को अपने पास। इस देश का बहुजन समाज जो है यदि आर्य दर्शन के खिलाफ वो आवाज यदि उठाता है, उस वक्त यदि इन्होंने हमें साथ दिया होता तो आर्य दर्शन को फैलाने वाले बामन जितने भी हैं इनका नाम और निशान सब मिट चुका है। लेकिन इन लुच्चों ने हमें साथ दे दिया, ये हमारा दुर्भाग्य। इतने उच्च कोटि के दार्शनिक मूल्य, इतने उच्च कोटि के दार्शनिक मूल्य जो अपने सभ्यता की हिफाजत के लिए, जो अपने जमीन जायदाद की हिफाजत के लिए, अपने धन संपत्ति की हिफाजत के लिए हम अपना बलिदान देते थे, हमारे दुश्मनों के साथ लड़ते थे, तो हमें इन्हीं लोगों ने राक्षस कहना आरंभ किया, असुर कहना आरंभ किया, दैत्य कहना आरंभ किया, दैत्यभूत कहना आरंभ किया, दास कहना आरंभ किया, दास, दस्यु, दानव, दैवीर, दैतूर, ये शब्द क्या है? इनको इनका गलत प्रचार कैसे किया गया? हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम यहाँ के दानव हैं। अरे मनु के देह से पैदा होने वाला वो यदि मानव बन सकता है, मनु का नाव मानव बन सकता है, तो दाई का नाव दानव क्यों नहीं होता? हम दाई की कोख से पैदा होते हैं, कोया वंशी है, दाई के नव है इसलिए दानव है, दाई के सूर है इसलिए दस्यु है, दाई के ईत है इसलिए दैत है, दाई के भूत यानी संतान है इसलिए दैभूत है। ये जानकारी, ये स्वाभिमान हमारे इस जन समुदाय में जागरूक होना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों का गलत अर्थ निकालकर वह गलत अर्थ का प्रचार किया गया। आज उस दैभूत शब्द, दानव शब्द, दस्यूर शब्द, दास शब्द के वो देखने का दृष्टिकोण हमारा बदल चुका है। लेकिन हम अपने आप उस मूल चीज को जाने। सर्वसाधारण मेरे भाई से मैं उम्मीद नहीं करूंगा, लेकिन विशेष रूप से इस जन समुदाय का जो भी प्रभुत्व वर्ग है उसे सोचने की, यानी मतलब आज बारी है, उसे सोचना पड़ेगा। अपने समाज को यदि सामने लाना है, इस समाज के सामने कुछ आदर्श यदि रखना है, उसने इस बिंदु पर इस दृष्टिकोण से हमारे जो जीवन दर्शन है, जो जीवन मूल्य है, इनका उन्होंने अध्ययन करना चाहिए, इनका परीक्षण करना चाहिए। नहीं तो दूसरे ने कहा ये गोंडवाना के गोंडी जन समुदाय अपने उस बड़ादेव शक्ति को, अपने उस परसापेन शक्ति को, अपने उस सजोरपेन शक्ति को, ये लोग तो बकरा काटते हैं, ये लोग तो मुर्गा काटते हैं, ये लोग तो हत्या करते हैं, ये हिंसाचारी है। ऐसा यदि किसी ने कहा तो उस वक्त हम जवाब नहीं दे पाते, हमारा मनोबल जो रहता है ये खत्म हो जाता है। हो यार, हिंसा और अहिंसा नाम की कोई चीज है? गांधी जी ने हिंसा का नारा दिया, भगवान गौतम बुद्ध ने हिंसा का नारा दिया, भगवान महावीर ने हिंसा अहिंसा का नारा दिया, तो हमने भी अहिंसा से चलना चाहिए। अरे भाई, अहिंसा से चलना चाहिए ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन इस प्रकृति का सिद्धांत है, यहाँ हिंसा होनी है, यहाँ एक जीवाश्म दूसरे जीवाश्म पर निर्भर करता है। इस प्रकृति के सिद्धांत को, इस न्याय तत्व को बदलने की ताकत किसी में नहीं है। यदि शेर है तो दूसरे प्राणियों को खाएगा ही, रेंगने वाला सांप यदि है तो वो यानी बेढक को खाएगा ही, छिपकली है तो कीड़े मकोड़े को खाएगा ही, इसको कैसे बंद करेंगे? हम आंखों से देखते हैं, यहाँ एक जीवाश्म दूसरे जीव पर निर्भर है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। हम भी यहाँ के जीव तत्व हैं, जो प्रकृति का नियमावली है, प्रकृति की नियमावली है, हम यहाँ के जीवात्म हैं, हम इस प्रकृति के अंश हैं, तो वो नियमावली हमें भी लागू है। और प्रकृति का न्याय तत्व यही कहता है, गोली पुणे दर्शन के अनुसार, जीवा परो जीवा पिसिंता इदे निले यहाँ दूसरे जीता, करो जीवा भिन्न से मायता हीनो जीवा बुरे मासियंता, जीवा सियतुन जीवा सीए तुम हिले महावा, जीवा वो तुम हिले था। इस मुताबिक हमारे लिंगू जी हमें बता दिया, जीवा परो जीवा पिसिंता यही इदे निवे आंदू श्रेणी, अर्थात
एक जीवाश्म दूसरे जीवाश्म पर निर्भर है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये नियमावली है, इसे कोई बदल नहीं सकता। दूसरी बात, करो जीवा विंसे मायता इनो जीवा मुरे बांसी अंतर, डार्विन का सिद्धांत है। आजकल डार्विन का सिद्धांत कहा जाता है उसे कि भाई जो सबल है वही अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है और जो निर्बल है जो दुर्बल है उसे मारना है। ये प्रकृति का सिद्धांत अर्थात हिंसा यहां होना ही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाना ही है। आगे हमारा दर्शन कहता है जीवा ओए तुन हिले तावा जीवा सिए तुन हिले मावा, अर्थात हमारे इस जीव तत्व को यदि कोई घातक है, कोई जीव यदि घातक है तो उसका उसे आप बचाइए मत, उसे मार डालिए। हमारे अस्तित्व के लिए जो घातक है उसे आप मार डालिए, लेकिन हमारे अस्तित्व बचाए रखने के लिए जो बलिदान देता है उसे बचाए रखिए। ये हिंसा और अहिंसा का दर्शन हमारा हमारे गोडी पुनेम गुरु महादीपाली गोपाल महाप्रभु उन्होंने हमें दिया है। कितने उच्च कोटि का दर्शन है, ऐसे उच्च कोटि का दर्शन होने के बावजूद भी वो आदमी हमें कहता है कि तुम बकरा काटते हो, मुर्गी काटते हो, मुर्गा काटते हो, इसलिए हिंसावादी हो। फट के साथ बोल देते अभी 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 बकरी ईद हुआ, उस बकरी ईद में लाखों बकरे इस देश में कट गए हमारे मुसलमान भाइयों ने काट कर, यानी मतलब उसका बकरीद मना। उन मुसलमान भाइयों के ये अंधविश्वासी है, ये हिंसावादी है, इनसे बोलने की ताकत किसी में नहीं है। हमारे उस गुरुद्वारों में जहां सिख भाई है जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, एक साथ 12 बकरियों की 11 बकरों की बलि दी जाती है। उन सिख भाइयों को अंधविश्वासी बोलने की इनकी ताकत नहीं होती। उस बंगाल के काली माई में 24 बकरे एक साथ बलि चढ़ाए जाते हैं, उन हमारे बंगाली भाइयों को हिंसावादी है या अंधविश्वासी ऐसा बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती, बिल्कुल खुलेआम बोलना शुरू करते हैं। हमें जवाब देते आना चाहिए, हाँ हम अपने देवी देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि बलि चढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है हमारा अस्तित्व बनाए रखना। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मान लीजिए मैंने एक चींटी को नहीं मारा आज तक, मेरा दुश्मन यदि मेरे सामने है मैं कैसे मारूंगा, अर्थात मेरे दुश्मन से लड़ने की ताकत वो शक्ति मुझ में आनी चाहिए, इसलिए बलि की प्रथा हमारे लिंगों की जरूरत है। ये उसके पीछे का दर्शन है, कैसे हम अपने अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। हमें उस चीज को मानना है जो हमारे लिए घातक है, हमें उस चीज को नहीं मानना है जो हमारे लिए पोषक है। ये हमारे दर्शन है। मैं आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन और भी कार्यक्रम है, कृपया आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया जो भी साहित्य हमारे लिखित प्रभु द्वारा के द्वारा आपके सामने रखा जाता है उसे पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, यदि तीन बार में भी नहीं समझा तो 10 बार पढ़िए, बिल्कुल समझ जाएंगे। हमारा दार्शनिक आधार क्या है, बटी फिलोसॉफिकल बेस ऑफ गोडी रिलीजन, यानी गोडी पुनेम दर्शन के क्या दार्शनिक आधार है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी और आप में वो ताकत आएगी, आप अपनी हीनता की भावना आप में कभी नहीं आएगी। हर चौराहे में जाकर आप कहेंगे हाँ मैं गोंडवाना का गोंडियन हूं, मैं गोंडी धर्मी हूं, मैं गोंडी फासिक हूं, एंड टू रूल ओवर द गोंडवाना। इस ढंग से आप बात कर सकते हैं कि गोंडवाना का गोंडियन हूं, गोंडी धर्मी हूं, गोंडी संस्कृति मेरी है और इस गोंडवाना में राज करना भी मेरा अधिकार है। ये बोलने की ताकत हमारे हर भाई में आए और आपसे निवेदन करता हूं कि ये विचार आप अपने भाइयों तक पहुंचे, जहां से भी आए होंगे, यहां कोने कोने से यहां पर आए हैं, ये जो नए आए उनके पास ये विचार दीजिए और इस गोंडवाना के इस मंच से यही उम्मीद करते हुए मैं अपने दो शब्दों को यही विराम देता हूं। जनरल निर्मला।
गोंडवान राज करेगा गोंडवाना। जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा। ¿Qué tal?